हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ नितीश, वेलकम टू बलिया राइडर यूट्यूब चैनल। तो आज हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो डोमेस्टिक टर्मिनल 3 है। सो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम लॉन्च में जाने वाले हैं, यानी वेटिंग रूम बोल सकते हैं, जहां पे हम वेट कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट का। यानी अगर फ़्लाइट आपके 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे के बाद है तो वहां पे जाकर वेट कर सकते हैं, बट उसका चार्ज देना पड़ता है। अगर आपके पास बच सकते हैं कैसे, अगर आपके पास कोई भी मास्टर कार्ड या वीज़ा HDFC का प्रीमियम या एक्सिस बैंक का है, तो आप वहाँ पे जाइए। कम पैसे में आप रिलैक्स कर सकते हैं और वहाँ पे कम पैसे में आप काफ़ी अच्छा मज़ा ले सकते हैं। आपका वेटिंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्च, और मैं दिखाता हूँ अंदर का। आपको पहले ATM से स्वाइप कराना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिलेगी। और ये है फर्स्ट फ्लोर पे टर्मिनल 3 पे। सो है ये प्लाजा प्रीमियम लॉन्च, आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी मस्त है। अंदर जाके देखते हैं ना अंदर की फैसिलिटी कैसी है। ओके, सो हम बुक करने वाले हैं और फिर मिलते हैं अंदर जाने के बाद। सो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लाइन लगा पड़ा है। ओके, सो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। आप ATM 2 से स्वाइप कराओगे एंड अंदर लॉन्च में जाओगे, तो इधर आना अलाउ है, उधर नहीं। सो उधर से बिजनेस क्लास के लिए है। एंड अंदर का लोकेशन देखो, काफ़ी प्यारा है, मतलब रियली में मज़ा आ गया। और ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है। सो यहाँ पे वाइन नहीं मिलेगा, बट मिल सकता है, देखते हैं यहाँ पे है तो कुछ। फिर देखते हैं आगे का, मैं दिखाता हूँ आपको अलग सा अरेंजमेंट कैसा है, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ खाने के बाद मिलते हैं आगे। दिल्ली हम लॉन्च में एक्सेस कर गए, दिल्ली वाले लॉन्च में एक्सेस कर गए और एंटर कर गए। और यहाँ पे एक और चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी सी ये हुई कि अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आप इधर आओगे, तो नॉर्मल वाला। अगर बिजनेस क्लास था तो आप उस साइड में जो दिखाया था, एंटर किया था। नेक्स्ट टाइम हम बिजनेस क्लास लेके आएंगे, मैं भूल गया था, बट नेक्स्ट टाइम पक्का। तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और ये टोटली ब्लॉग हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि हाँ, फ़ोन से भी अच्छा सिनेमेटोग्राफी यानी ब्लॉग हम शूट कर सकते हैं। और आई थिंक मेरा सारा टोटली शूट जो भी है, मेरा मोटो ब्लॉग और ये बाकी केदारनाथ का सीरीज जो भी था, और हमारा जो लॉन्ग ड्राइव था, ये टोटली हमने फ़ोन से शूट किया। माउंट किया था कैमरे में, माउंट किया था हेलमेट में कैमरे को, फ़ोन को, और फिर हमने शूट किया था। और आई थिंक मैं दिखाता हूँ एक बार आपको लुक, फिर धीरे धीरे हम ऑर्डर करते हैं कुछ, देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओके, सो देख लीजिए एक बार कैसा है अंदर का इंटीरियर, ये देखिए। काफ़ी क्लासिक, काफ़ी प्रीमियम लुक है एंड रियली में अमेजिंग लुक। सो रियली में लुक देखिए, ऑसम। ये काउंटर वो, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं आप बिलिंग विलिंग। मैं इस साइड भी दिखा देता हूँ, दिस साइड करो एंड रियली में सच ए नाइस। तो यहाँ पे डिनर है एंड यहाँ पे। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। तो लॉन्च में खाना वाना फ्री है, आपको खाना फ्री है एंड थोड़ा सा स्नैक्स भी फ्री है। एंड दिल्ली का मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, और बनारस में नहीं आया था, देहरादून में था। देहरादून वाला मैंने वीडियो शूट किया, वो डाल दूंगा मैं नीचे, आप देख सकते हैं। और इस वाले ब्लॉग को भी आप देखो, अगर दिल्ली में आते हो तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आओगे, आपको मिल जाएगा। तो और अभी हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट कितने बजे यहाँ से, 3:40। ओके, तो बस सपोर्ट दिखाते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो। ऐसे हो आप लोग, वेट नहीं हो रहा। सो अभी प्लाजा प्रीमियम लॉन्च का हमारा लंच आ गया, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा खाने के बाद पता चलेगा टेस्ट कैसा है, बट देखने में लुक वाइज गुड। देखते हैं खा के, बताते हैं कैसा। आप भी इंजॉय करो, फील लो, आंखों को बंद करो, सोचने स्टार्ट करो कि जैसे आप ही खा रहे हो। ओके, सो खाने के बाद मिलते हैं।
फिलहाल हमने लंच कर लिया, खाना टेस्टी था, मज़ा आया था। खा के हमने वेज खाना ऑर्डर किया था क्योंकि आई एम वेजिटेरियन, तो हमने वेज खाना ऑर्डर किया था और खाना टेस्टी था, लाजवाब था। मुँह में तो पानी आ गया होगा आप लोगों को वीडियो देख के। कोई नहीं, आ जाना नेक्स्ट टाइम, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट करो जो भी कुछ पूछना है आपको इससे रिलेटेड, एंड लॉन से रिलेटेड कुछ भी कोई क्वेश्चन है, कौन सा ATM आप यूज करना चाहते हो, कौन सा ATM यूज होता है, क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओपन है, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा आपको। और अभी हमारी फ़्लाइट है 4 बजे और अभी टाइम हो रहा है 2:36 के करीब, ऐसे ही आई थिंक, हाँ 2:36 हो रहा है। और मज़ा आया, मेरा एक्सपीरियंस इज गुड, आपने देखा इंटीरियर काफ़ी अच्छा था इनका, और इनका चैन भी होता है, ये एक फ्रेंचाइजी बेस पे काम करते हैं और इंडिया में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चैन है इनके, पता नहीं कितने जगह फ्रेंचाइजी हैं, मैं एक बार आपको ठीक से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा बता के रिसर्च करके। एंड चलो मिलते हैं फ्लाइट में। एंड सो ये एरिया अच्छा, एंड सो अभी हम बाहर जा रहे हैं और हमने कर लिया क्योंकि हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया बोर्डिंग का, और आई थिंक अभी पता करना है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड देख सकते हो ये दिल्ली एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, एंड नीचे काफ़ी ज़्यादा सामान मिल सकते हैं आपको, कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो, और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है अंदर के लिए, और यहाँ पर बिजनेस क्लास है और ये नॉर्मल है। सो हमने इधर गया था, हम इधर गए थे और बिजनेस क्लास में अभी मैक्स अकाउंट नहीं था हमारा, मतलब बिजनेस क्लास वो नहीं, बिजनेस क्लास अकाउंट नहीं था, इस वजह से हम उधर गए थे जहाँ पे आपको, इधर आओगे तो आपको वाइन वाइन सब कुछ फ्री मिलेगा, उधर वाइन के चार्जेबल हैं और खाने वाने फ्री मिलेंगे आपको, बट काफ़ी मज़ा आया और खाना इज गुड, काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन हुआ, 2 घंटे का हमने स्टे किया यहाँ पे, 3 घंटे तक आप रह सकते हो। और अगर आपको ये मज़ा आया वीडियो देख के, कुछ भी अच्छा लगा और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, कमेंट करो, जल्दी से शेयर कर दो यार इसको, जल्दी 4 घंटे वॉच टाइम चाहिए मेरे को, बहुत ज़रूरी है। तो बलिया राइडर में आप सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और हम पहुँच जाएंगे आज शाम तक बनारस और मज़ा आएगा, आगे चलते हैं, अभी फ्लाइट पकड़ना है, लेट हो रहा है, बाय 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 बाय।